भाई साहब दो। अरे भाई साहब मजा आ गया, 5 मिनट हो गया, 3 पहले था, 1 और हो गया, 5 हो गया, 5। चलो ओके। ओ भाई साहब मजा आ गया यार, 2 और एक साथ दो दो ब्लूप्रिंट का तैयार, भाई मजा आ गया। वाह भाई वाह भाई साहब, रेड बॉक्स का तैयार, भाई मजा आ गया। आप देख सकते हैं फाइनली मेरे को यहाँ से मिल चुका है ये वाला बंडल, जो कि है मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा रेयर। तो मेरे को यहाँ पर से मिल चुका है, यहाँ पर से इसका लॉर्ड बंडल, फीमेल वाला मत, मैजिक क्यूब, मैजिक क्यूब, मैजिक क्यूब, मैजिक क्यूब, मैजिक क्यूब, मैजिक क्यूब। भाई ओ भाई साहब यार क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यार, ये मेरे को जैसे मैजिक क्यूब बट यहाँ से निकला। ओ भाई साहब गोल्डन बॉक्स, मैजिक क्यूब, 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 मैजिक क्यूब। ओ भाई साहब का तेज यार। गुड मॉर्निंग एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी लोगों का फ्री फायर की एक और एक्साइटिंग वीडियो में। तो भाई लोग आप सभी को पता है कि हम लोग गेम के अंदर आज बहुत ही बड़ा इवेंट है, और हम लोग यहाँ पर से गेम के अंदर बहुत सारा इवेंट देखने के लिए मिला है, जिसमें हम लोग आज हम लोग अपना रॉकेट लॉन्चर उसे गेम के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं कि आपको रॉकेट लॉन्चर का जो मिशन है जो हम लोग अभी तक गेम के अंदर गेम में नहीं देखने के लिए मिला है, तो आज आपको 27 अक्टूबर को आपको इन गेम कहीं पर पड़ा हुआ मिल जाएगा। तो फर्स्ट में होगी ये बात। दूसरा महत्व हम लोग को जो बहुत ही ज़्यादा रेयर आइटम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है मैजिक क्यूब का। तो आप सभी को पता है कि आज हम लोगों को 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच गेम प्ले करना होगा, जिसमें हम लोग को यहाँ से मैजिक क्यूब मिलेगा। तो ये तो होगी यहाँ की बात। उसके बाद और कुछ मिशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, जैसे यहाँ पर से ये वाला रिवॉर्ड, यानी कि आपको आज से कलेक्ट करना पड़ेगा लॉग इन के साथ साथ। उसको सिंपल यहाँ पर करते हैं तो उसके बाद पार्टी मिशन यहाँ पर आपको देखने मिल जाती है, दिवाली प्ले टाइम रिवॉर्ड। तो यहाँ सब देख पा रहे हैं, प्ले 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट आपको गेम प्ले करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इवेंट यहाँ पर से, तो प्ले 15 मिनट्स ऑन दिवाली डे एंड गेट ए मैजिक क्यूब। तो ये आपको इवेंट आज ही चलेगा, तो आपको सिंपली 1 बजे से लेके 3 बजे के बीच आपको गेम प्ले करना होगा, जिसमें आपको आप यहाँ से मैजिक क्यूब कलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था यहाँ से कि आपको सिंपली इस तरीके से आपको सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें आपको 15 मिनट गेम प्ले करना पड़ेगा और यहाँ से आपको मैजिक क्यूब मिल जाएगा। तो फाइनली आपके सामने इवेंट आपके सामने है, यहाँ से जो भी चीज़ आपके सामने देखने के लिए मिल रही है उसको यहाँ पर लॉन्च होटो को तो आप इसे आज कलेक्ट कर ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपको चीज़ मिलता है क्लेम कर लें। तो क्या ये तो हो गया हम लोग को मतलब इवेंट, जो पहले से हम लोग तय किया हुआ था कि इतना सारा इवेंट हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा, तो फाइनली हम लोग यहाँ से इस चीज़ को देखने के लिए मिल गया। तो उसके बाद हम लोग यहाँ से न्यू जो इवेंट है हम लोग यहाँ गेम के अंदर, जो बहुत ही तगड़ी वाली इवेंट ही है वाली 10 डायमंड्स लक रॉयल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हम करने वाले हैं यहाँ से स्पिन और देखते हैं मेरे को यहाँ पर कितना स्पिन में कितना चीज़ मिलता है। तो गाइस उससे पहले बता दें, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि फ्री फायर गेम से रिलेटेड जितना भी अपडेट्स या भी कोई भी इवेंट होता है मैं आप लोगों को डिटेल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। तो गाइस आज हम करने वाले हैं यहाँ से लक रॉयल पे स्पिन। और गरीना भी बताऊँ, गरीना बहुत ही ज़्यादा चालाक है और बहुत ही ज़्यादा सातिर है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास डायमंड वो है 3275 डायमंड, यानी कि 3275 डायमंड मेरे पास पड़ा हुआ है इसमें। तो गाइस गरीना इसलिए सातिर है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गरीना को पता है कि सबके पास जितने भी लोग हैं सबके पास यहाँ से डायमंड रॉयल वाउचर, वेपन रॉयल वाउचर, उसके बाद यहाँ पर से इनक्यूबेटर का जो वाउचर होता है सब ने यहाँ पर से कलेक्ट कर रखा है, सब ने परचेज कर रखा है। कहाँ से भाई? मिस्ट्री शॉप से। गरीना इससे अच्छी तरीके से जानती है कि जितना भी ये प्लेयर्स है लगभग बहुत सारे लोगों के अकाउंट में यहाँ से डायमंड रॉयल में 10 वाउचर 20 वाउचर, उसके बाद यहाँ पर से वेपन रॉयल में 20 वाउचर, और उसके बाद यहाँ पर से इनक्यूबेटर में 10 वाउचर या 20 वाउचर श्योरली होगा ही होगा। इसलिए वो यहाँ से, क्योंकि उसको पता है कि जब तक आप यहाँ से क्या बोलते हैं इसको अपने टोकन ख़त्म नहीं करते हैं तब तक आप वहाँ से स्पिन नहीं कर पाइएगा। मतलब जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पर से वेपन रॉयल है, वेपन रॉयल मेरा 5 कार्ड है, तो जब तक मैं 5 कार्ड यहाँ से ख़त्म नहीं करूँगा ना तब तक मैं यहाँ से सिंगल स्पिन नहीं कर पाऊँगा। तो गरीना बहुत ही से चालू है, जब उसको पता है कि यहाँ पर से जो अगर हम लोग 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो बंदे उसके मतलब 10% का नहीं मतलब यहाँ पर 10 डायमंड्स का दे देंगे कि आपको लक रॉयल में किसी भी सेक्शन पे आप 10 डायमंड में एक स्पिन कर सकते हैं। तो उससे पहले आपको यहाँ से अपना जो टोकन होता है उससे आपको गायब करना होगा। तो आप यहाँ से अगर यूज़ कर लेते हो तो करने का मतलब मस्त वाली बात हो जाएगी कि हमने डिस्काउंट दिया तो उसने अपना जो डायमंड है वो अपन खत्म कर दिया। सेम टू सेम हर चीज़ में आपको सेम वही रूल अपनाया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ पर से 10 टोकन है, तो मैं यहाँ पर सिंगल स्पिन करूँगा तो भी मेरे यहाँ से टोकन रहेगा, 5 स्पिन करूँगा तो मैं सबसे पहले मेरे यहाँ से टोकन ही खत्म होगा। तो गरीना बहुत ही होशियार, ये इवेंट अगर ये लोग अगर मिस्ट्री शॉप से पहले देता है, फिर मिस्ट्री शॉप खत्म होने के बाद देता है, या फिर हम लोग टोटल टोकन खत्म होने के बाद देता है, तो यहाँ पर से लोगों का ज़्यादा फायदा होता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, पर सबसे पहले आपको अपना जो टोकन है वो खत्म करना पड़ता है। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बहुत लोगों के पास है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं स्पिन यहाँ से हम लोग के डायमंड रॉयल में, और देखते हैं यहाँ से मेरे को मैजिक क्यूब मिलता है या फिर मतलब ये वाला बंडल मिलता है नहीं मिलता, कितना डायमंड को यहाँ पर वेस्ट करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तो आज हम ट्राई करेंगे यहाँ से।
तो सबसे पहले करते हैं यहाँ से मैं 10 डायमंड्स का स्पिन। अरे भाई साहब किधर जा रहे हो? तो मैं सबसे पहले करूँगा यहाँ से 10 डायमंड्स का स्पिन, उसको देखते हैं यहाँ यहाँ पर मेरे को क्या मिलता है। इससे पहले मैं ऑलरेडी यहाँ पर से 5 स्पिन कर चुका हूँ मॉर्निंग मॉर्निंग, तो वो अलग बात हो गया। फिर से मैं करता हूँ यहाँ पर से 1 डायमंड का स्पिन, यानी कि 1 स्पिन, उसके बाद करेंगे 10 10 स्पिन, देखेंगे यहाँ पर से मेरे को मिलता है या नहीं मिलता। तो मेरा जो लक है वो 55% है, 56 हो गया। मैं अब करते हैं यहाँ पर से मैं 100 डायमंड का स्पिन, और देखते हैं यहाँ से कि मेरा लक जो है कितना साथ देता है। ओ भाई साहब रेड बॉक्स का तई जहर, भाई मज़ा आ गया। आप देख सकते हैं फाइनली मेरे को यहाँ से मिल चुका है ये वाला बंडल, जो कि है मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा रेयर। तो मेरे को यहाँ पर से मिल चुका है यहाँ पर से इसका लॉर्ड बंडल। तो सही है भाई, कमेंट में बताना कि आपको ये बंडल कैसा लगा। और मेरे को यहाँ से सेकंड स्पिन मैंने किया, 2 स्पिन मैंने किया सिंगल वाला, और उसके बाद सेकंड में यार मेरे को ये चीज़ निकल गया। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से हो गया। अब हम लोग इसे कर लेते हैं यहाँ से ओके, और उसको कर ले थोड़ा सा इसके स्क्रीन शॉट ले लेते हैं, क्योंकि थंबनेल वंबनेल बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से मेरे को 1 रेयर आइटम मिल चुका, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोचूंगा समझूंगा मैंने जो डायमंड उड़ाया वो मेरा यहाँ से रिकवर हो गया इस बंडल के लिए। तो फीमेल वाला बंडल मेरे को वैसे भी नहीं चाहिए था। अब मेरा लक जो है 0 पे आ गया। फिर से करते हैं, अब तो मेरे को मैजिक क्यूब मिलेगा नहीं, भी मुश्किल है। फिर से करते हैं एक यहाँ पर से सिंगल वाला स्पिन। तो भाई यहाँ पर से डिस्काउंट है भाई, इतना लंबा चौड़ा डिस्काउंट में हम इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर बेकार बात है ना भाई। फिर से करते हैं 200 का स्पिन, और देखते हैं यहाँ से मेरे को क्या मिलता है। मैजिक क्यूब तो निकलेगा नहीं मुश्किल। ओ भाई फिर से ब्लैक बॉक्स, तो यहाँ पर से कुछ निकलेगा नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं इसमें। अब स्पिन करके शॉर्ट हेयर मिला, मतलब तो बहुत ही अच्छी हेयर हेयर कट है। उसके बाद करते हैं यहाँ से हम लोग एक बार क्लेम, तो यहाँ से मेरे को मिला डायमंड रॉयल वॉचर। तो डायमंड रॉयल वॉचर मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है। करते हैं फिर से यहाँ पर से 1 स्पिन, और देखते हैं यहाँ से क्या होता है। भाई साहब 1 मैजिक क्यूब निकल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइज कमेंट बताना कि मेरे को यहाँ से मैजिक क्यूब मिलेगा या नहीं मिलेगा। ज़्यादा स्पिन तो करूँगा नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ से रेयर आइटम मिल चुका है। और दोबारा ओ भाई साहब का तय जहर यार, फीमेल वाला मत, मैजिक क्यूब। भाई ओ भाई साहब यार क्या हो गया, ये क्या हो रहा है यार। ये मेरे को जो है ऐसे मैजिक क्यूब बट यहाँ से निकला फीमेल वाला बंडल, जो मेरे को नहीं चाहिए था भाई यार। मतलब फिर से मेरा जो लक है ये खा गई। तो भाई साहब यहाँ से इसके ले लेते हैं फिर से मैं स्क्रीन शॉट। ग्रीन स्टार सर्फबोर्ड, चलो भाई सही है। तो दोनों बंडल फाइनली मेरे यहाँ से निकल चुका है, मेल और फीमेल का। जबकि आप देखें मेरा लक जो था लगभग 10 के आसपास था, बट मेरे यहाँ से ये चीज़ अटैम्प्ट निकल गया। तो मैं आपको लोग हर बार बताता हूँ, टाइमिंग का कुछ सेंस होता है और ये लक पे डिपेंड नहीं करता। कुछ लोग बोलता है आपका लक 90% से ज़्यादा रहेगा तभी आपको मिलेगा। तो मैं हर बार कहता हूँ आपका लक पे डिपेंड नहीं करता भाई, कुछ तो लक पे डिपेंड करता है बट कुछ आपका ऐसे ही निकल जाता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपका लक जो है 90% से ज़्यादा रहेगा तभी आपका यहाँ से रेयर आइटम निकलेगा। मैं आपको हर बार बताता हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। निकलने का रहेगा तो वो मतलब 10 लक पे भी निकल जाएगा, नहीं निकलने का रहेगा तो 101 में भी नहीं निकलेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई कर चुका हूँ और मेरे को रेयर आइटम नहीं मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ सब देख सकते हो मेरे को लक कितना था बट फिर यहाँ से निकल गया। अब हम लोग यहाँ पर स्पिन नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग करेंगे यहाँ पर स्पिन बट बाद में। उससे पहले हम चलते हैं यहाँ से इनक्यूबेटर में, और करते हैं यहाँ पर से इनक्यूबेटर में मैं डायरेक्टली 5 का स्पिन, और देखते हैं मेरे को यहाँ से ब्लू प्रिंट चाहिए मेरे को यहाँ से। भाई साहब अगर ब्लू प्रिंट निकल गया तो मतलब मस्त वाली बात हो जाएगी। 3 बैचेस मेरे को मिला जो कि फालतू है, 6 बैचेस मिल गया। ओ भाई साहब एवोल्यूशन स्टोन, और भाई ब्लू प्रिंट, 1 ब्लू प्रिंट भाई साहब। तो 1 यहाँ से मेरे को मिला एवोल्यूशन स्टोन, जो कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो फिर भी ले लेते इसका स्क्रीन शॉट, क्योंकि थंबनेल मेरे को चमकाना है तो मेरे को मज़ा आएगा इसमें। तो यहाँ से लेता हूँ स्क्रीन शॉट इसका। तो फाइनली इसका आ गया स्क्रीन शॉट, करते हैं यहाँ से बैक, और करते हैं यहाँ से मैं सिंपली 1 यहाँ से स्पिन। तो भाई साहब चलो कर लेते हैं 1 स्पिन, 1 ब्लूप्रिंट भाई, 1 ब्लूप्रिंट। ओ भाई अरे यार क्या कर रहा है यार, ये तो मतलब फालतू से आइटम से देख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करते हैं फिर से यहाँ पर मैं 5 स्पिन, और देखता हूँ यहाँ से मेरे को मिलता है नहीं मिलता भाई साहब। अरे एक रुक जा, अबे यार क्या दिखा के सटका लिया यार। अबे भाई साहब एक तो दे दे यार, अरे यार उसके आजू बाजू चल रहा है बट उस पर नहीं जा रहा, क्या भाई ये तो मतलब बहुत ही गलत बात है भाई, बहुत ही गलत बात है। फिर से करते हैं यहाँ से स्पिन, और फिर से देखते हैं यहाँ से 1 ब्लूप्रिंट 1 ब्लूप्रिंट। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार, एक हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब ब्लूप्रिंट मजा आ गया भाई, 1 ब्लूप्रिंट निकल गया कतई जहर भाई, मज़ा आ गया भाई। मतलब क्या बात भाई, मज़ा आ रहा है आज इतना कम डायमंड में, इतना कम स्पिन में मेरे को यहाँ से ये सब आइटम्स मिल रहा है, बट बहुत खुशी हो रही है भाई कि यहाँ पर इतना कम डायमंड में ये सब चीज़ मिल रहा है। मतलब खुशी वाली बात है भाई, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी आ रही है कि आखिर इतने कम चीज़ में कि इतने कम स्पिन में इतना आइटम्स मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर से करते हैं यहाँ पर से 1 स्पिन, उसको करेंगे फिर से 5 स्पिन, और देखेंगे फिर से मेरे को चाहिए यहाँ से। आज भाई मौका है यार, आज मैंने इतना डायमंड मैंने टॉपअप कभी लाइफ में नहीं करा था, बट मैंने आज इतना डायमंड को टॉपअप कर लिया डायरेक्टली 1600 का।
मैंने 800 का टॉप अप करा हूँ बट 1600 भाई। अरे भाई साहब थोड़ा सा आगे जाने में क्या लगा इनको यार। ब्लूप्रिंट रुक जा रुक जा। अरे भाई कहाँ जा रहा है, अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार ये। चल करते हैं फिर से भाई 5 का स्पिन यहाँ से, और देखते हैं मेरे को चाहिए यहाँ से ब्लूप्रिंट भाई। यहाँ से तो निकालूंगा मैं ब्लूप्रिंट, और तब उसके बाद चलेंगे। ओ भाई साहब एवोल्यूशन स्टोन, पेट फूड, ओ भाई साहब बॉक्स हैं, क्या बात है। ओ हो एवोल्यूशन स्टोन, चलो भाई कोई नहीं, देख फिर से करते हैं यहाँ पर 5 स्पिन और देखते हैं यहाँ से मेरे को क्या मिलता है भाई। ओ भाई साहब ब्लूप्रिंट निकल जाए यार, एवोल्यूशन स्टोन कितना चाहिए। एक जा रुक जा, अबे रुक जा एक बार एक बार एक बार। अरे भाई साहब उसके पास में जाकर रुक जाता है बट उस पर नहीं रुकता है भाई यार, क्या मतलब। ये तो जहर वाली बात हो गई भाई। फिर से करते एक स्पिन यहाँ से ब्लूप्रिंट। अरे पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा पहुँच जा। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार ये। बाकी यार चल निकल, ब्लूप्रिंट पे पहुंच जा पहुंच जा पहुंच जा। और थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा रुक जा। ओ भाई साहब का तई जहर यार, मजा आ गया। ब्लूप्रिंट फिर से भाई, मजा आ गया यार। तो 2 ब्लूप्रिंट फाइनली मेरे को मिल चुका। करते हैं फिर से यहाँ से 5 स्पिन और देखते हैं यहाँ से मेरे को ब्लूप्रिंट मिलता है या नहीं मिलता है। भाई साहब मेरा रिकॉर्डिंग चालू है फिर बंद है। अच्छा और चालू है भाई, मतलब बहुत बार रुक जाता है ना। एक ब्लूप्रिंट फिर से रुक जा। अबे भाई साहब पहुँच जा। अबे भाई साहब क्या हो रहा है यार ये। करते हैं फिर से 10 डायमंड्स का स्पिन और करेंगे फिर से यहाँ पर से कितना का भाई, फिर से करेंगे 5 का भाई। मज़ा आ रहा है यार, इतने कम डायमंड मेरे को 2 ऐसे ब्लूप्रिंट निकल चुका है ऑलरेडी। इस बॉक्स में पता है क्या मिलेगा, फालतू से सामान मिलेगा। फिर से करते हैं 5 का स्पिन और देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है भाई। इसमें एक ब्लूप्रिंट दे देना, एक ब्लूप्रिंट दे देना भाई। अरे भाई साहब एक ब्लूप्रिंट फिर से पहुंचा दे। अरे पहुंचा दे यार एक बार। ओ भाई साहब का तेज जहर भाई, 3 ब्लूप्रिंट, मजा आ गया भाई। 3 ब्लूप्रिंट, वाह भाई, मतलब कतई जहर भाई, मजा आ गया। आप देख पा रहे मेरे को ऐसे ब्लू प्रिंट निकल गया, तो मैं आज ब्लू प्रिंट निकाल कर रख दूंगा यार अपने अकाउंट में, क्योंकि ये निकलता नहीं है। और ऐसा मतलब मस्त ऑफर हम लोगों को मिलता नहीं, तो यहाँ पर से मैं बहुत सारा मेरे ब्लू प्रिंट यहाँ से निकालूंगा और अपने अकाउंट में सेफ रख लूंगा भाई, बाद में काम में आएगा कभी ना। सच में यार बहुत खुशी। अरे भाई डायमंड मैंने कितना बड़ा है भाई, यहाँ से आप देख रहे 500 डायमंड मेरे को इतना सारा आइटम्स मिल गया। करते फिर से यहाँ पर 10 स्पिन और उसका एंड के एक स्पिन। अरे भाई एक स्पिन में ब्लू प्रिंट, और ओ भाई साहब अरे हट गया यार, देख भाई कहाँ पहुँचा दिया यार। फिर से करते हैं एक स्पिन यहाँ से ब्लू प्रिंट के पास पहुँचा दे, रुक ब्लू प्रिंट एक बार। ओ भाई साहब यार मिस्टेक करे, भूल गया था यार गरीना, भूल गया था यार कि वहाँ पर जाने में थोड़ा सा गाड़ी मैंने ज़्यादा स्पीड चला गया। पहुँचा दे। ओ भाई साहब क्या हो गया यार ये। करते हैं फिर से मैं यहाँ पर 5 का स्पिन यार, 3 ब्लू प्रिंट, 3 ब्लू प्रिंट, रुक जा। ओ भाई साहब कहाँ पहुँच, अरे यार एक फिर से अरे भाई साहब आगे जा रहे पीछे रुक गया यार। अरे यार कभी आगे कभी पीछे। फिर से करते हैं यहाँ से 5 का फिर से स्पिन में एवोल्यूशन स्टोन, ब्लू प्रिंट। अरे यार एवोल्यूशन स्टोन दे ब्लू प्रिंट। अरे भाई साहब क्या दे रहे फालतू। ओ भाई साहब फिर से पीछे रुक गया यार, मतलब भूल जाता है कि थोड़ा सा आगे जाना है फिर थोड़ा सा पीछे रुकना है। अरे ब्लू प्रिंट चाहिए भाई इस एवोल्यूशन में। अरे भाई कब से एवोल्यूशन में रुक जाता, थोड़ा चलने लायक होता। फिर से करते हैं यहाँ से मैं 5 का स्पिन और देखते हैं यहाँ से मेरे को क्या निकलता है भाई। ब्लू प्रिंट यार उस पर रुक जा, हाँ चलो। अरे कहाँ जा रहा है भाई, एक बार ब्लू प्रिंट पे। अबे भाई यार क्या कर रहे हो भाई, ले देखे 2 आइटम्स वहाँ से निकाल दिया यार। चलो फिर से करते हैं 45 का स्पिन ब्लू प्रिंट यार, निकल जा। अबे यार क्या कर रहे हो, यहाँ पर से ना तो ब्लू प्रिंट निकल रहा है ना एवोल्यूशन स्टोन निकल रहा है, एक भी रेयर आइटम नहीं। क्या हो रहा है भाई साहब ये। चलो अभी फिर से करते हैं यहाँ पर से एक स्पिन भाई। स्टार्टिंग में तो मज़ा ही आ गया भाई, यहाँ पर से 3 ब्लू प्रिंट मेरे को मिल गया। चलो एक बार और। अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, दिखा के सटकाने वाला काम क्यों कर रहे हो यार। दिखा दिया कि पहुँच रहे, लास्ट में वहाँ जाकर रुक जाते हो। एक और, ओ भाई अरे यार क्या कर रहे हो यार, एक ब्लू प्रिंट। अरे 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 अबे हो क्या रहा है भाई ये। अरे ब्लू प्रिंट, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो यार, ये तो फालतू वाला काम हो गया भाई। अरे दे 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 थोड़ा सा, अरे रुक जा। अबे यार कहाँ जा रहे हो यार, ले दे के फिर वही उसी बॉक्स में पहुँचाए। खुद खोले इसको। अबे यार क्या फालतू से पहन देता है, दिमाग ख़राब।
अब फिर से करते हैं यहाँ पर 5 स्पिन, देखते हैं यहाँ से मेरे को ब्लू प्रिंट चाहिए भाई। यहाँ पर से मैं कम से कम 5 ब्लू प्रिंट निकालूंगा, 3 तो मेरा निकल चुका है, मेरे को और 2 चाहिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा और थोड़ा सा। अबे यार भाई यार, ना तो ये ब्लूसन स्टोन आ रहा है ना भाई साहब, एक ब्लूसन स्टोन, एक ब्लू प्रिंट, अरे ब्लू प्रिंट पहुँच जाए एक बार। चलो भाई एक ब्लूसन स्टोन आया भाई, वो मेरे पास ऑलरेडी है। चलो कोई नहीं यार, देखते हैं फिर से एक बार एक स्पिन करके, क्योंकि एक बार एक स्पिन मेरे को यहाँ से निकला। अरे पहुँचा दे पहुँचा दे, थोड़ा सा और थोड़ा सा, रुक जा। अरे भाई साहब क्या हो रहा है यार, ये तो मतलब घुमा देता है, लगता है कि रुक जाएगा लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता है। एक ब्लू प्रिंट, थोड़ा सा थोड़ा सा और थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। ओ भाई साहब का तेज जहर मज़ा आ गया। ओ भाई साहब 2, अरे भाई साहब मज़ा आ गया, 5 में रहता हो गया, 3 पहले था, 1 और हो गया, 5 हो गया, 5। चलो ओके, ओ भाई साहब मज़ा आ गया यार, 2 और एक साथ 2-2 ब्लू प्रिंट, कतई जार भाई मज़ा आ गया। वाह भाई वाह, क्या मज़ा आ गया, 2 ब्लू प्रिंट एक साथ। तो मेरे पास कितना हो गया टोटल भाई, यहाँ से हो गया मेरे पास 5 ब्लू प्रिंट और 15 एवलेशन स्टोन। तो मतलब यहाँ पर से कतई जार वाली बात होगी। अब जल्द थोड़ा सा हम लोग वेपन रॉयल की मज़ा ले लेते हैं यहाँ पर से। तो मेरे पास यहाँ पर 5 टोकन है, तो मैं 5 टोकन का यूज़ नहीं करूँगा, पहले यहाँ पर 100 डायमंड का करते हैं यहाँ से स्पिन, जिसमें मेरा लक है 34 लक है मेरा भाई यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ नहीं निकला 24 आवर। अरे भाई सब क्या परमानेंट, आहा गारंट की स्किन नहीं, क्या है भाई मैनली कैंडी क्लॉक। चलो भाई सही है, थोड़ा सा इसका भी स्क्रीन शॉट ले ले, देखने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है इसलिए। तो कर लेते हैं यहाँ से ओके, और कहाँ से फिर करते हैं यहाँ से फिर से एक स्पिन यहाँ पर, देखते हैं मेरा लग जो है 20-45 का हो गया है, और देखते हैं यहाँ से क्या निकलता है भाई। फालतू का फ्रेगमेंट मेरे को पता ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि एक एक स्पिन आपको ज़्यादातर फ्रेगमेंट निकलने का चांस ही रहता है। तो यहाँ से फिर से नहीं मिला, फिर से फ्रेगमेंट, उसके बाद फिर से करते हैं एक स्पिन, उसके बाद कब करेंगे फिर से 10 स्पिन यहाँ पर मैं। तो यहाँ पर फालतू सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंट ही मिला, तो कोई फ़ायदा नहीं इतना समय करने में। तो करते हैं यहाँ से फिर से 10 का स्पिन और देखते हैं कहीं एक रेयर आइटम। ओ भाई साहब ब्लैक बॉक्स यानी कि रेयर आइटम निकलने का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं सिर्फ और सिर्फ फ्रैगमेंट और टोकन है। फिर से करते हैं यहाँ पर 10 स्पिन भाई साहब, एक बार दे दे यार परमानेंट दे दे मेरे को, ये एम्फोरियन बहुत ही ज़्यादा पसंद, ये वाला नहीं मतलब एम्फोरियन की, एम्फोरियन यूज़ करने मेरे को अच्छा लगता है भाई। तो परमानेंट दे देना भाई परमानेंट यार, यहाँ पर से क्या 24 आवर यहाँ पर से एक एक फालतू स्किन नहीं हो मतलब परमानेंट मिला यहाँ से। एक बार मैं 10 स्पिन करूँगा उसको, इसके मतलब पीछा छोड़ूंगा, वैसे भी मतलब उतना अच्छा गन नहीं है, तो इसमें इतना डायमंड टूटना मतलब मूर्खता वाली बात होती है। तो यहाँ पर फिर से मेरे को ब्लैक बॉक्स मिला 24 आवर के 2 मिला, बट परमानेंट के यहाँ पर से नाम और निशान नहीं है। तो यहाँ से मैं करता हूँ यहाँ से, अरे भाई ये क्या परमानेंट मिला क्या M4A1, अरे फैलेंगे दूसरा ईयर भाई वो ओल्फ है। एक बार फिर से 10 का कर लेते हैं उसको, देखते हैं भाई क्या होता है, उसे भी लक में मेरा 81 हो गया, 2 और करेंगे तो 110 के मिलने का चांस बनता है। फिर से ब्लैक यहाँ पर से 92 हो गया, 1 और कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, जब इतना कर ही चुके हैं तो 1 और करने में क्या जाता है। 24 आवर का यहाँ पर से मिला, फिर से करते हैं यहाँ पर एक स्पिन, उसका करेंगे 10 स्पिन यहाँ पर से, देखते हैं कहीं मेरे को निकल जाए, क्योंकि मेरा लक जो है 92 पे चला गया है, तो यहाँ से निकलने का चांसेस बनता है। तो भाई एक बार दे देना भाई गोल्डन बॉक्स भाई गोल्डन बॉक्स। अरे भाई साहब आप देख पा रहे हो यहाँ पर से क्या हो रहा है यहाँ पर से, ओ भाई साहब का 23,000 भाई, मेरे को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो लक मेरे यहाँ पर से 90+ था, इसलिए मेरे को ऐसे मिल चुका है रेयर आइटम यानी कि जो हम लोगों का होता है गन की स्किन। चलो भाई सही है, तो मेरे जो को मिल चुका है फाइनली यहाँ पर से M4A1 की परमानेंट गन स्किन, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। अरे भाई किसका स्क्रीन शॉट आ गया, एक बार और करके यहाँ से स्क्रीन शॉट इसका मेरे को चाहिए। तो फाइनली मेरे को मिल चुका है यहाँ से M4A1 की परमानेंट स्किन, उसको करते हैं यहाँ से बैक, इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग कुछ भी रेट ने मेरा रहा नहीं। अब चलते हैं डायमंड रॉयल पर, करते हैं यहाँ से 10 स्पिन, उसको करेंगे फिर से मैं यहाँ पर से 10 का स्पिन, क्योंकि मेरे को चाहिए थे यहाँ से मैजिक क्यूब, वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है मैजिक क्यूब का, मैं करता हूँ यहाँ से फिर से 10 स्पिन। गोल्डन बॉक्स तो निकलेगा नहीं भाई, मेरे को पता है, क्योंकि यहाँ से मेरा लक जो है बहुत ही कम है, बट वैसे कुछ नहीं है, पहले बार मेरे को 21st में ही मिल गया था। लूट बॉक्स मेरे को मिला, फिर से करते हैं 10 का स्पिन, मेरा लक जो है 18 हो गया।
ओ भाई सब गोल्डन बॉक्स, मैजिक क्यूब 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 मैजिक क्यूब, ओ भाई साहब कत्ता ही जार भाई, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। तो फाइनली मेरे को मिल चुका है ऐसे मैजिक क्यूब। तो मैं आप लोग हर बार बताता हूँ भाई कि लक पे डिपेंड नहीं करता है, मेरा लक 18 था बट मेरे को ऐसे मिल चुका है मैजिक क्यूब, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लक का कोई पंगा नहीं। आपको सिंपल अगर मिलने का रहेगा तो वो कम में भी मिल जाएगा और ज़्यादा में भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो आपको मतलब ऐसे ही मिल जाता है, ऐसा नहीं कि आपको लक 80+ होना चाहिए। अब मैं स्पिन नहीं करूँगा भाई क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारा रेट है, मैंने इन लोगों का मतलब लूट लिया। अब यहाँ पर से मेरे को जितना आइटम से टोटल मेरे को यहाँ से मिल चुका था, अब हम करते हैं कि इसमें चलते इनक्यूबेटर में चलते हैं, उसको चलते हैं यहाँ से सॉल में और करते हैं यहाँ से। मैं यहाँ पर से रेट ये नहीं लूँगा भाई, मेरे को इतना अच्छा नहीं रहता, जो भी बोलो आप बोलोगे भाई इतना इसका जो एवोल्यूशन स्टोन इसने ब्लू प्रिंट ज़्यादा है इसलिए आप नहीं लेंगे, ऐसा नहीं भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। उससे ज़्यादा ये मेरे को अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा फिर ये भाई चलने लायक है, बट मैं ये वाला लूँगा ठीक है, ये वाला सेट जो है मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो करते हैं यहाँ पर से क्लिक और कर लेते हैं यहाँ पर से मैं एक्सचेंज। फिर भी मेरे पास कितना एवोल्यूशन स्टोन बचा हुआ भाई, ब्लू प्रिंट मेरे पास अभी भी 3 ब्लू प्रिंट है। अब मैं उसे सेव रखूँगा, यानी कि अपने काम के लिए उसे यूज करूँगा और अपना जो भी रहता है बाद में लूँगा। ये मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए मैंने यहाँ से ले लिया, स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ। करते हैं यहाँ से ओके इसका। तो फाइनली मेरे को मिल चुका है ये वाला बंडल। अब हम लोग चलते हैं वहाँ से कहाँ पर भाई और देखते हैं यहाँ से मेरा जो बॉक्स मिला था मेरे को क्या क्या मिला उस पर। तो फाइनली मेरे को ये मिल चुका है जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लोग चलेंगे बॉक्स पर, बॉक्स पर जाकर देखेंगे मेरे को यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला है, यानी कि वो जो बॉक्स मिला था ना वो बॉक्स। वॉलेट पे आते हैं, वॉलेट पे आने के बाद ट्राई करते हैं कि यहाँ पर ऐसे मेरे को कैरेट से ये सब मिला था, किसी परमानेंट मिल नहीं, मैं बाद में करूँगा ये सब ओपन। तो फालतू का चीज़ मिला है यहाँ पर से, फिर से करते एक बॉक्स का ओपन और 24, अरे दूसरा बॉक्स ओपन हो गया। ये सब ओपन कर लेता हूँ यार, इस समय कुछ है नहीं ऐसे फालतू तुच्छा सा चीज़ है। 10 बॉक्स, तो ये सब चीज़ मेरे पास पहले से ही था, इसे खोल के देखते हैं पर कहीं मिल जाए। और इस वाला तो छोड़ो भाई, यहाँ से मैंने टोटल ट्राई कर लिया और मेरे को मिल चुका है। वैसे मेरे बैकग्राउंड साउंड नॉइज़ जो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो भाई यहाँ पर से आपको मतलब चार्ज यहाँ से लूट लो भाई, यहाँ पर से जितना आपको स्पिन करना है कर लो, क्योंकि यहाँ पर से इतना सारा डिस्काउंट आपको करने कभी नहीं दिया है और आप आज तक आपको यहाँ पर से इतना सारा डिस्काउंट देखने के लिए नहीं मिला है। तो फाइनली ये थी मेरे को जो आपको बताना था वीडियो में कि इतना सारा चीज़ आपको मिल जाती है यहाँ से। और आज मेरे को एक और मैजिक क्यूब मिलेगा, यानी कि टोटल मेरे पास हो जाएगा 2 मैजिक क्यूब। इसी पर कर लेते ओपन और देखते हैं यहाँ से, ओ भाई साहब क्या बात है भाई, मज़ा आ गया जो भी बोलो। स्क्रीनशॉट करते हैं यहाँ से ओके, फिर से इसे करते हैं ओपन, इसका भी लेते हैं यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट। तो मेरे को जितना रेयर आइटम था टोटल मैंने यहाँ से निकाल लिया, यानी कि दोनों बंडल निकाल लिया, यानी कि एवोल्यूशन स्टोन का ब्लू प्रिंट का जो बंडल था वो निकाल लिया, गन की स्किन होती है वो निकाल लिया, मैजिक की होती है वो निकाल लिया। मेरे को लक रॉयल के जितना भी रेयर आइटम है टोटल रेयर आइटम मेरे को फाइनली यहाँ से निकल चुका है। तो आप लोग मेरे कमेंट में बताना कि आप लोगों को मतलब स्पिन में क्या क्या मिला और कितना परसेंट मतलब कितने स्पिन में आप लोगों को क्या चीज़ मिला। तो आज की वीडियो में इतना सही, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू, फिर मिलता है अगले वीडियो में।